हम यहाँ मौजूदा सरकार केंद्र में जो है भाजपा के, उसके गलत नीति के कारण हम लोग जो हैं यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। मेन कारण है कि हम लोग के यहाँ महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि हम लोग अब सांस नहीं ले पाते हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग जो है धरना पर बैठे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रेणु कुमारी, महिला जिला अध्यक्ष खगड़िया। खुल गया, खुल गया, खुल गया आपके शहर खगड़िया में सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम। पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड खगड़िया। मिल रहा है बम्पर ऑफर, तो देरी ना करे। अर्थव्यवस्था कोमा में है। दूसरी बात ये है कि अपराधीकरण सरकार का हो गया। पहले जो अमित शाह जी अपराधी, उन पर आपराधिक केस था, आज जिस उनका केस एन केन प्राकरण हटा, उसके बाद अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो कि रक्षा संसदीय रक्षा समिति में सदस्य बनाई गई हैं, कुल मिलाकर अपराधी तामा जामा है। और उसके बाद गांधी परिवार के हत्या की साजिश उनको, उनका एसपी जी प्रोटेक्शन हटा के की जा रही है। और बेरोजगारी है, किसान का समस्या है। जिस ढंग से आरसीईपी से का समझौता करने जा रहे थे, यदि सोनिया जी उस समय विरोध नहीं करती, यदि हो जाता तो यहाँ के किसान की अर्थव्यवस्था, किसान का मरण हो जाता ना, यहाँ फसल कुछ होता और दूध भी बाहर से आता, सब फ्री ट्रेड वाला जो सिस्टम था, इससे देश की अर्थव्यवस्था त्रस्त हो जाती। इसीलिए हम सारे लोग भाजपा सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। ये कांग्रेस पार्टी भयंकर बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, कृषि संकट और देश में जो भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उसे भाजपा सरकार के गलत नीतियों एवं लापरवाही के कारण निजीकरण हाथों में देना, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन पर बैठी है। प्याज का माला पहने हैं, क्या मकसद? हम प्याज का माला इसलिए पहने हैं, यह हम सभी लोगों के प्रत्येक दिन उपभोग करने का सामान है, जो आज की तिथि में काफ़ी महंगा है और हम लोग इसको खरीदने में अपने आप को सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, इसी के कारण।